लग रहा है। ऊपर देखती अच्छा देख दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो अमेरिका की तरफ से ना, आप जिनको ज्यादा खोल देना चाहिए वो सारे बंद करें। कितने खुले नहीं, एक दो तीन चार पांच, बस वो बस वेट करा। ये है ना, इस तरह वॉक करते हैं ना, इस तरह वहाँ वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस है, उससे गुजरते हैं इमिग्रेशन चेक करा के। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब खुश हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं जी अमेरिका, और क्या क्या किया अमेरिका में, क्यों जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे, क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी और वजह से जा रहे हैं, चले जी आगे आपको दिखाती हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत सा आज का दिन था, और एक्चुअली अमेरिका जाने का प्लान भी हमारा बहुत अचानक ही बना, कोई प्लान नहीं था। और आज हम 4 बजे घर से मतलब निकले हैं, और आई थिंक हम अभी यहाँ जब बॉर्डर पे जब तक पहुँचते हैं ना अमेरिका कनाडा के बॉर्डर के पास, तो तकरीबन हमारे घर से ये 10 मिनट का रास्ता है। हाँ जी, बहुत ही पास है। तो बॉर्डर क्रॉस करना और बस बॉर्डर क्रॉस करने का टाइम लगता है, बाकी तो फ़ौरन ही अमेरिका में हम एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं ना, उस यहाँ पे आज बहुत लंबी लाइन थी। वजह क्या थी, वीकेंड है ना, तो फ्राइडे था, सैटरडे संडे, तो इन दिनों में बहुत रश होता है क्योंकि हेलोवीन भी थी और दिवाली का भी फंक्शन था। तो वो उस वजह से ना बहुत लोग अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे उनके रिलेटिव्स होते हैं और बहुत सारे अमेरिका से लोग कनाडा भी आते हैं, तो बहुत रश था। तो जी यहाँ पे उन्होंने हमें वेलकम कर दिया न्यूयॉर्क ने, और हम लोग अमेरिका में एंटर हो गए थे। बॉर्डर पे बहुत रश था, मतलब 5-10 मिनट का रास्ता है हमारे घर से बॉर्डर का, तो यहाँ पर हमें तकरीबन हाफ आवर से ज़्यादा ही लगा था अपनी मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास पहुँचते पहुँचते। अच्छा जी, तो हमारे पास क्योंकि कैनेडियन पासपोर्ट है, तो हमें कोई वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी फुल फैमिली जस्ट अपने पासपोर्ट कैरी करें, अगर आपने कहाँ पे स्टे करना तो अपना बैग वगैरह रेडी करें, तो बस आप अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो फ्यू क्वेश्चन पूछता है, बस उसका एक छोटा सा काम होता है, तो वो वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें एंटर होने देते हैं। तो जी आज वेदर भी बहुत प्यारा था और रेन हो रही थी सुबह से। तो अमेरिका में जब हम एंटर हुए हैं ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी कनाडा और अमेरिका में कोई फ़र्क नहीं लगा, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका अमेरिका, कनाडा कनाडा है। तो जी हम अब आपको आगे दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए थे। Thank you.
अच्छा शुरू में तो सबसे पहले तो अमेरिका की फॉल आती है, उसके बाद आगे शॉपिंग मॉल छोटा सा एक आता है, ड्यूटी फ्री शॉप होती है, इस तरह की छोटी छोटी शॉप दुकानें हैं। उसके बाद जहाँ तक हमने जाना था ना, उसके रास्ते में जो है ना बहुत सारी शॉप्स भी आई और हाउसेज भी काफ़ी आए थे। अच्छा ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, मैं देख के रहा होगी कि अमेरिका का ये वाला एरिया जहाँ पे हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, यहाँ पे हाउसेज बहुत ही पुराने थे। मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई डाउनटाउन का एरिया, कोई पुराने रहने वाले लोग यहाँ रहते थे, स्कूल भी यहाँ पे बहुत बहुत पुराने थे और इतने पुराने लग रहे थे कि मतलब जैसा लगता था कि अभी मतलब इनकी ना मतलब गिर जाएंगे, इतनी इनकी खस्ता हालत हुई हुई थी। लेकिन खैर कुछ हाल ही पड़े हुए थे, कुछ में लोग रह भी रहे थे, और मतलब लिविंग स्टाइल है ना जिसका भी आपको होता है, जिस तरह के किसी के पास वसाइल होते हैं उसके मुताबिक वो अपना लिविंग स्टाइल रखता है। तो ये किस तरह पुराने घर थे लोगों के, आपको पता है हर कंट्री में गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं। तो खैर ये वाला इलाका जो एरिया था ना, ये काफ़ी इस तरह मिडिल क्लास टाइप ही लग रहा था। तो खैर बस जी हम इस वक्त जा रहे थे पहले शॉपिंग मॉल। अच्छा बहुत ज़्यादा ही ना थकावट थी काफ़ी दिनों से ना, तो वो आपका बिजी बिजी रूटीन चल रही थी। तो आज हस्बैंड ने कहा कि चलें आपको थोड़ा सा आउटिंग पे लेके चलते हैं, आपका थोड़ा मतलब मूड चेंज हो जाएगा। मेरा लगा कि हम ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड का कि उन्होंने कहा कि चलें जी हम थोड़ा सा चेंज लाते हैं लाइफ में ना, थोड़ा चेंज करते हैं। तो हम लोग इसीलिए आज फिर अचानक ही प्लान बन गया, हम लोगों ने कपड़े चेंज किया, तो हम लोग यहाँ पे मतलब अपने पासपोर्ट कैरी किए और चेक किया कि पासपोर्ट एक्सपायर तो नहीं हुए, तो वो सब के वैलिड थे, तो हम लोग वैसे भी निकल आया। तो यहाँ पे हम लोग आए अभी शॉपिंग मॉल में, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था। अच्छा एक्चुअली मैं एक्साइटमेंट इतनी थी, मुझे शॉपिंग मॉल का नाम ही नहीं मैंने पढ़ा कि कौन सा ये शॉपिंग मॉल था। तो खैर यहाँ पे हम लोग आए थे, ये एक शॉप थी, यहाँ पे बहुत रश था और यहाँ पे ना हर चीज़ जो ना $5 से ऊपर की सब लगी हुई थी। मतलब $5 सबसे लो चीज़ $5 की थी, उसके बाद जो ना सब उससे हाई चीज़ थी। लेकिन यहाँ पे ना बच्चों की गर्ल्स की और बॉयज़ की जैसा रूम डिकोर की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, बहुत वैरायटी थी। तो मेरे बच्चों ने तो यहाँ से अच्छी वाली चीज़ें ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह घर जाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या शॉपिंग की थी। इसके बाद जो है ना हमने कहा कि जी पास ही ना हमने चेक किया कि और कौन सा रेस्टोरेंट यहाँ पे अच्छा है, तो हमने कहा चलें जी ठीक है रेस्टोरेंट भी चलते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि इस वक्त ना लंच नहीं करके निकले थे। तो हमने सोचा था कि कुछ अमेरिका में सर्च करेंगे और वहाँ पे कुछ खाएंगे। तो एक दो रेस्टोरेंट हमने देखे हैं कि उनकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे इस वक्त हमारा प्लान है कि हम वहाँ जाएंगे। रास्ते में हम एक जगह रुके थे, एक प्लाज़ा नज़र आ गया था हमें, तो वह उसमें ना टीजे मैक्स भी था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से हमने क्या लिया। फ़र्स्ट टाइम इस तरह हम लोग अमेरिका में कोई डाइनिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी हमने दो तीन रेस्टोरेंट को चेक किया कि उनकी रेटिंग कैसी है। तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट था और ये हलाल था, इसके पास बहुत वैरायटी थी फूड की। तो हमने यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ना चाइनीज़ और भटूरे हमने यहाँ से लिए, इसके अलावा एक देसी कढ़ाई टाइप भी हमने मटन की वो भी ली, तो वो हमने ट्राई की थी। कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ बस ठीक थी, मतलब इस तरह था, एवरेज था खाना। लेकिन मुझे मतलब मुझे भटूरे पसंद आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पे खाना खा के। अच्छा सर्विस बहुत अच्छी थी और सिटिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी डंकिन डोनट, और ये बच्चे जब अमेरिका में इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे तो हम ज़रूर ये लेके आएंगे। यहाँ पे भी बहुत रश था, बहुत लंबी लाइनें थी, और मतलब लगता कि अमेरिकन जो है ना इसके क्रेजी क्रेजी है इसको ना, मतलब डोनट्स के और कॉफ़ी वगैरह के। खैर हम लोगों ने भी क्यू में लग के अपना ले लिया था। उसके बाद बस हम लोग वापसी के लिए निकल आए थे, क्योंकि इस वक्त इसी दौरान में ना शॉपिंग में, खाने में और सर रोड ट्रिप में ही 4 आवर गुजर गए थे। 4 बजे हम लोग निकले थे वहाँ से अपने घर से, और ये इस वक्त 8 बज रहे हैं और अंधेरा भी शुरू हो गया था। और हम यहाँ पे जब लगे हैं आके ना, तो लाइन चेक करें कि आप कितनी लंबी है। ये देख कितने, एक दो ये सेंट लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ पाँच का पकड़ बेटा, मेरे आदमी आ सकती है। यहाँ पे वापसी में $5 टूल टैक्स लेते हैं, वो हम लोगों के पास शॉपिंग के बाद कॉइन इकट्ठे हुए थे, हमने वो इकट्ठे करके सारे तो $5 पे किए यहाँ पे। और बहुत 45 मिनट के बाद हमारी यहाँ से गाड़ी आई है, बहुत रश था। लेकिन ये था कि इन्होंने इस वक्त काफ़ी जो है ना बूथ खोल दिए हुए थे ताकि जल्दी जल्दी गाड़ियाँ क्लियर हो। अच्छा जब हम वहाँ गए ना अमेरिका में, जिस भी शॉपिंग मॉल में गए ना, आप बिलीव करें कि हमें कनेडियन ही गाड़ियाँ नज़र आई हैं। उनकी नंबर प्लेट जो थी ना वो
कनेडियन ही थी, मतलब कि इतने कनेडियन जो थे ना वो आज मतलब अमेरिका में गए हुए थे आई थिंक, सो डेली जाते होंगे लेकिन आज तो बहुत ही रश था। और फिर हम लोग आ गए थे फॉल की तरफ, ये कनाडा की फॉल साइड है, यहाँ पर बहुत माशाल्लाह रौनक होती है हर नाइट पे। और हम लोगों ने इस साइड से अपनी गाड़ी की है कि ताकि हम ये रौनक देखें, आप होता है वो दिवाली की भी डेकोर की हुई थी और इन्होंने हेलोवीन की वजह से भी काफ़ी डेकोर किया हुआ था। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल के पास होटल है, ये उसका सारा एरिया जितनी भी आपको लाइटिंग नज़र आ रही है ना ये उसी की है। और ये बहुत यहाँ पे मतलब ये बहुत बड़ा और बहुत वसी है, बहुत मतलब कि इसमें काफ़ी मतलब लोग आके रहते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव वाला ये रेस्टोरेंट है होटल है। तो खैर हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, फिर हमने गाड़ी में ही पहले सोचा कि उतर के बच्चों को थोड़ी सी राइड्स वगैरह दिला दें, लेकिन खैर यहाँ रश ही इतना था कि हम लोग भी उतरे ही नहीं। फिर पार्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है। खैर बहरहाल जितना टाइम भी हमने गुजारा हमें बहुत मज़ा आया, काफ़ी थकावट उतर गई। और इसी चक्कर में ना कल मैं आपका व्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि हम जब घर आए ना तो मैं बिल्कुल लेज़ी हो गई थी। बच्चों ने ये मेरे लिए थोड़ी वीडियो बना दी थी जो कि उन्होंने शॉपिंग की थी। अच्छा जो मैंने अपनी शॉपिंग की है ना वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि उसका क्लिप मैंने अभी कैप्चर नहीं किया। बच्चों की शॉपिंग मैं आपको दिखा देती हूँ जो उन्होंने की थी। अच्छा यहाँ पर ईमान को ये चप्पल बहुत पसंद आ गई थी, उसने ये ली। और मरियम ईमान ही जो कि दोनों आप पता है ट्विन्स हैं तो उनके हम लोगों ने टी शर्ट्स ली हैं उनकी। मैं जहाँ भी मुझे कोई शर्ट पसंद आती है ना मैं उनके ले लेती हूँ क्योंकि वो उनके स्कूल के लिए काम आती हैं। तो ये जी आयशा ने अपनी बेड शीट्स खरीदी हैं, आप पता है उसने नया मैट्रेस लिया है तो नया बेड हो तो फिर नई नई चादरें बिछाने का दिल करता है, तो प्रिंट बहुत खूबसूरत थे। इसी तरह आज तहीरा ने भी अपने बेडरूम के लिए बेड शीट्स बाय की थी। और इसके अलावा इन्होंने अपने रूम के लिए थोड़ी डिकोर थिंग्स बाय की, लाइट्स थी वो खरीदी थी। एक बहुत ही क्यूट सी ना फ्लावर टेबल है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, उसको असेंबल करके जब रखेंगे ना तो मैं साथ साथ दिखाऊंगी। इसके अलावा इन्होंने वहाँ से बहुत सारी चॉकलेट्स ली हैं जो कि इन्होंने पहली दफ़ा फ्लेवर मतलब ट्राई कर रही हैं। तो जी ये था आज का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी जो मेरी शॉपिंग है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, देखना नहीं भूलना। आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कर दिया करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।